हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बारे में, जिसमें हमने किया था एक्सरसाइज ए एंड बी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन। सो ओपन पेज नंबर 54। ओके, सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती हैं? एट, ऑन, इन। At, on, in are very often used to denote time. हमें टाइम को डिनोट करने के लिए यानी दर्शाने के लिए at, on, in का यूज़ करते हैं हम सामान्यतः, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है, ही विल रीच होम एट 2 PM। तो कोई भी टाइम दे रखा हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए at लगाते हैं, ठीक है। माई बर्थडे फॉल्स ऑन, अगर डेट दे रखी है तो हम लगाते हैं ऑन। द एग्जामिनेशन बिगेन ऑन 25th अप्रैल। तो यहाँ पे ऑन आया, देखिए डेट है तो डेट के लिए ऑन आएगा। लेकिन अगर द स्पोर्ट्स डे आर हेल्ड इन अक्टूबर, तो अब यहाँ मंथ आ गया, तो मंथ के लिए हम लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं? इन। वी शैल शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस एट दिवाली। कोई भी अगर फेस्टिवल है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ठीक है। शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। तो टाइम के लिए ऑन टाइम यानी समय पर। अवर स्कूल रीओपन्स ऑन 2nd अप्रैल। अगर टाइम दे रखा है, सॉरी डेट दे रखी है, तो हम ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ डेट ना हो कि अप्रैल होता, तो हम इन अप्रैल लिखते, ठीक है। अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यू शुड कम्प्लीट योर वर्क इन 2 डेज, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे इन लगेगा। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर रिलेटेड टू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड एक्सरसाइज हम करेंगे अब। फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, ऑन और इन। तो वी गेट फेस्टिवल डिस्काउंट एट होली। कोई भी जब फेस्टिवल होता है तो उसके लिए हमें क्या लिखते हैं? एट। ओके, नेक्स्ट है ही मीट मी एट लंच। डिनर हो या फिर लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट हो तो ऐड लगाते हैं, ठीक है। द सन शाइंस ब्राइटली एट नून। नून हो, नाइट हो, उसके लिए ऐड लगाते हैं, ठीक है। अवर एनुअल एग्जामिनेशन आर हेल्ड इन अप्रैल। अगर यहाँ पे देखो डेट नहीं दी है, अप्रैल दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? इन। माई ब्रदर यूजली कम्स होम लेट एट नाइट। नाइट के लिए एट, नून के लिए भी एट। लेकिन अगर मॉर्निंग है तो इन लगाएंगे, आफ्टरनून है तो इन लगाएंगे, इवनिंग है तो इन लगाएंगे। ओके, सी इज गोइंग बैक एट नाइट। नेक्स्ट है डैश रेनी सीजन। अगर कोई सीजन दे रखा है तो हम लिखते हैं उसके लिए इन। क्या लिखते हैं? इन। ओके, उसके बाद है देयर इज ए न्यू TV सीरियल बिगनिंग। तो यहाँ पे 1920, कोई भी ईयर दे रखा हो, ईयर दिया हो, तो हम लिखते हैं इन 1920। ओके, इंडिया बिकेम फ्री। अब यहाँ पे डेट दे रखी है तो हम यहाँ ऑन लिखेंगे, ऑन 15th अगस्त 1947। डेट दी होती है तो हम ऑन लगा लिखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे हम ऑन 15th अगस्त 1947। इंडिया कब फ्री हुआ था? 15th अगस्त 1947 में, ठीक है। अब है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फर्स्ट इन 1857। कब स्टार्ट हुई थी? 1857 में स्टार्ट हुई थी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एट, ऑन और इन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन, इनटू, आउट ऑफ के बारे में, ठीक है। और ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है एक्सरसाइज को, और आपको ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन लिखनी है प्रीपोजिशन की, आपको इसमें अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती हैं? इन, एट, ऑन, जो कि मैंने अभी आपको कंप्लीट कराई है ना।
तो ये आप अपनी नोटबुक में और बुक में अच्छे से फिल कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी मिस्टेक्स, एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके, थैंक यू.